अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, दिस इज़ मुदस्सिर नज़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 लॉन्चर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं, जो आपकी मोबाइल का टोटली लुक जो है वो चेंज कर देंगे। बहुत ही इंजॉय करेंगे आप अपने मोबाइल के न्यू लुक को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि न्यू एक लॉन्चर यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसके आप ऑप्शन देख लें। इस लॉन्चर का जो नाम है एलिजेंट लॉन्चर है, ये बहुत ही 2018 में तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है और ये अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका मेन्यू वगैरह देख लें। यहाँ पे हम इसको मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह का इसका मेन्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये लॉन्चर है। उसके बाद हम बैक में चले जाते हैं। यहाँ पर इसकी ये मेन स्क्रीन है, यहाँ पर हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। 82% यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिस्प्ले आपके सामने आ जाता है, कैलेंडर, उसके बाद यहाँ पे कुछ फोटोज़, उसके बाद यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे आप वेदर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अपनी सिटी का लगा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का लॉन्चर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे लॉन्चर की तरफ। उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमारे दूसरे लॉन्चर का जो नाम है स्क्वायर होम 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर होम 2, यहाँ पर हम इसको क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मैं इसका इंटरफेस भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये जो लॉन्चर है काम करता है, कितना खूबसूरत लॉन्चर है ये भी। यहाँ पे सबसे पहले इसकी सेटिंग करनी होगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहें तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। उसके बाद आप ब्लूअर इसको रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। जो भी सेटिंग करना चाहें आप सेटिंग करके यहाँ पर इसको डन कर दें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना जो है ये बहुत ही खूबसूरत लॉन्चर यहाँ पे आ गया आपके सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप मज़ीद जो है अपने फीचर्स यहाँ पे इस लॉन्चर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका आपको मेन्यू की दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना जो है ज़बरदस्त मेन्यू है इसका, और ये जो सारे फीचर्स यहाँ पे मेन मेन्यू में जो मौजूद हैं यहाँ पे वो आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको जो है वो दूसरे सेलेक्ट करने होंगे, जो भी फीचर्स आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉन्चर की तरफ। दोस्तों, तीसरे लॉन्चर का जो नाम है उसका नाम है स्ट्रिप लॉन्चर। इसका भी इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका इंटरफेस है, मेन स्क्रीन इसकी कितनी खूबसूरत है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका मेन मेन्यू जो है एप्लीकेशंस वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, डिसेंट किस्म का यहाँ पे जो है इसका लुक आ गया। फोर्थ नंबर पे जो लॉन्चर है उसका नाम है स्ट्रिप लॉन्चर। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके इसका इंटरफेस भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना चेंज लुक है इसका, ये आपके मोबाइल पर बहुत ही सूट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसका जो है एप्लीकेशन मेन्यू चेक कर लें। स्लाइड लेफ्ट करेंगे तो आपके सामने जो है ये एप्लीकेशन मेन्यू आ जाएगा इस लॉन्चर में। उसके बाद यहाँ पे आप स्लाइड राइट करेंगे तो आपका डायल पैड इस तरह का नज़र आएगा। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पे जो हमारे पास एक लॉन्चर है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा आपकी मोबाइल को, इसका नाम है 8.1 मेट्रो लुक लॉन्चर। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसका इंटरफेस में आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका जो है लुक है। ये आपका मेन स्क्रीन है आपकी मोबाइल का, तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका जो है लुक आपको ये मोबाइल के पास आ गया। और इसका एप्लीकेशन मेन्यू जो है स्लाइड आप राइट करेंगे तो इस तरह का एप्लीकेशन मेन्यू जो है ओपन हो जाएगा। दोस्तों, सिक्स नंबर पे जो लॉन्चर है उसका नाम है कंप्यूटर लॉन्चर। इसका आप जो है लोगो आप चेक कर लें। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कंप्यूटर लॉन्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कंप्यूटर का लुक आप लाना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो ये जो लॉन्चर है आप ज़रूर इंस्टॉल करें। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका किस तरह का इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त लुक इसको मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका माय कंप्यूटर, दिस पीसी जो है माय कंप्यूटर के तरह यहाँ पे एक आइकॉन आ गया। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम माय कंप्यूटर की तरह जो है आपका ये मोबाइल वर्क करेगा। उसके बाद हम इसका मेन जो एप्लीकेशन मेन्यू है वो हम चेक कर लेते हैं कि उसका क्या जो लुक यहाँ पर हमारे मोबाइल में आता है। हम इसको क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेन्यू की तरह यहाँ पे भी आपके ज़बरदस्त लुक इसमें आ चुका है। ये एप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। यहाँ पे आप इसको स्लाइड डाउन कर दें या फिर स्लाइड अप कर दें तो आपकी सारी एप्लीकेशंस जो मोबाइल की होंगी यहाँ पर मौजूद होंगी। उसके बाद यहाँ पर मेन जो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप पर मौजूद वाली, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, सातवें नंबर पर जो लॉन्चर है उसका नाम है लॉन्चर 10। तो यहाँ पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, इसकी मेन स्क्रीन, उसके बाद ऑल एप्लीकेशंस का मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूं इसका। यहां पे आप देख सकते हैं
कि कितना डिसेंट जो लुक है इसमें आ चुका है। यहाँ पे एक और बात बता दूँ मैं आपको दोस्तों कि आप जो हैं इसके जो थीम है या फिर इसके जो वॉलपेपर्स हैं या फिर इसकी जो कलरिंग है, आप सारे इन लॉन्चर में जो है इनकी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो आइकॉन्स यहाँ पे मौजूद है इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी ये आइकॉन्स जो है रखना चाहें आप खुद ही कस्टमाइज करके यहाँ पे ये रख सकते हैं। ये जो सारे लॉन्चर्स मैंने आपको बताए, ये जो है आप सारे लॉन्चर्स में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। 8वें नंबर पे जो लॉन्चर है उसका नाम है ओरियो लॉन्चर 8.1। यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देते हैं, देखते हैं कि किसका क्या जो है इंटरफेस है। बहुत ही सिंपल सा लुक है इसका। और आप ऑल एप्लीकेशन का मेन्यू हम इसको स्लाइड अप करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह का जो इसका एप्लीकेशन मेन्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड अप कर दिया तो आपके सामने ओरियो का 8.1 लॉन्चर जो है इस तरह का दिखेगा आपके मोबाइल में। बहुत ही सूटेबल लुक है इसका। और दोस्तों इस लॉन्चर में जो है एड्स बहुत ही कम आती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये लॉन्चर आप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में चलाएं। इसका एप्लीकेशन मेन्यू जो है बहुत ही डिसेंट किस्म का लुक है इसका, जो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों 9th नंबर पे जो हमारे पास एक लॉन्चर मौजूद है, यहाँ पे एक जो है इसका नाम है एज स्क्रीन। यहाँ पे हम इसको ओपन कर देते हैं और इसका जो है देखते हैं हम किस किस्म का जो है इसका इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इसकी एज की जो है आपको सेटिंग करनी होगी। एज स्क्रीन की आइकन जो यहाँ पे आपके सामने मौजूद आ रहा है, यहाँ पे ये आइकन आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप अपना जो है आइकन रख सकते हैं, जस्ट लाइक आप आईफोन की तरह यहाँ पे आप ये आइकन लगा सकते हैं। उसके बाद हम आप जो है इसका थीम वगैरह जो है आप चेंज कर सकते हैं। पीपल एज सैमसंग की तरह जो है आपको कॉन्टेक्स्ट भी अपने यहाँ पे स्लाइड में आप ऐड कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे प्ले के बटन पे आप क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है कॉन्टेक्स्ट अपने लगा सकते हैं। उसके बाद आप स्लाइड राइट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है लुक आ जाएगा। सैमसंग एज के जो ब्रांड्स आ रहे थे उसी तरह का लुक जो है आपके इस मोबाइल में आ जाएगा। अगर आप आईफोन लवर हैं, आईफोन जैसा लुक आप चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये नोट कर लें फोन एक्स लॉन्चर इसका नाम है। यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका किस तरह का इंटरफेस है, किस तरह का लुक है इस लॉन्चर का। जैसे ही ये लॉन्चर आपका ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह की सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। जो भी किस्म का आप वॉलपेपर लेना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे आप गेट स्टार्ट पे आप क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फाइनली देखें आपके किस तरह का लुक जो है आईफोन एक्स की तरह यहाँ पे आपके मोबाइल में आ चुका है। और आईफोन एक्स 10 की तरह यहाँ पे एक नोच का जो है, यहाँ पे एक नोच जो आजकल चल रही है, जिसका ट्रेंड अभी जो है मार्केट में चल रहा है, सारे सेट्स जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, इसी तरह का नोच भी है इस वॉलपेपर में आपके सामने आ गया। ये बहुत ही डिसेंट किस्म का लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो पर्सनली लॉन्चर अच्छा लगा वो ओरियो का लॉन्चर था, जो मैंने आपको इस वीडियो में रिव्यू करके दिखाया। उसके बाद जो है ये आईफोन एक्स का जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कौन सा लॉन्चर अच्छा लगा कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताएं कि कौन सा लॉन्चर जो है अच्छा था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली जो भी मेरी इसी तरह की वीडियोज़ होंगी तो उनके नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे लूँगा इजाज़त, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।